क्या मुनव्वर फारूकी कपिल शर्मा के शो में जाने वाले हैं एज अ गेस्ट या फिर कंटेस्टेंट? चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल बिग बॉस 17 विनर मुनव्वर फारूकी के सितारे इन दिनों बुलंदियों पर हैं। मुश्किल सफर के बावजूद उन्होंने बिग बॉस 17 में अपनी जीत दर्ज की है। शो से बाहर आने के बाद मुनव्वर फारूकी नए नए प्रोजेक्ट्स को लेकर बिजी चल रहे हैं। हाल ही में इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के दौरान कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी फिल्म और क्रिकेट जगत के कई धुरंधरों के साथ नजर आए थे। वहीं मुनव्वर फारूकी ने एड शिरन और कपिल शर्मा के साथ अपनी फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, कॉमेडी म्यूजिक और हम दोनों फील्ड के दो दिग्गज लोगों से शानदार मुलाकात। मुनव्वर फारूकी की ये मुलाकात दोनों से रमजान के मौके पर हुई है। आपको बता दें मुनव्वर फारूकी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। कॉमेडियन अपनी हर छोटी बड़ी अपडेट फैंस के साथ शेयर करते हैं। सिंगर शरीन के साथ अपनी फोटो शेयर करते हुए कॉमेडियन ने खुशी जताई। इसके अलावा उन्होंने कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के साथ भी फोटो शेयर की। फोटो में मुनव्वर फारूकी ब्लैक कुर्ता पहने नजर आए, वहीं एड शिरन कैजुअल और कपिल शर्मा फॉर्मल में दिखाई दिए। अब ये फोटो देखने के बाद लोग कयास लगा रहे हैं कि मुनव्वर फारूकी कपिल शर्मा के शो में जाने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम हो कि एमसी स्टैन जब बिग बॉस जीते थे तब उन्हें भी कपिल शर्मा ने अपने शो में इनवाइट किया था। आपको बता दें कपिल शर्मा का नया सीजन आने वाला है नेटफ्लिक्स पर, जिसको लेकर लोगों का मानना है कि फर्स्ट गेस्ट कपिल शर्मा के मुनव्वर फारूकी होने वाले हैं। हालांकि ये होता है या नहीं ये तो कपिल शर्मा का शो जब आएगा तो ही पता चलेगा। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर लोगों ने कपिल शर्मा और मुनव्वर फारूकी की फोटो देखने के बाद क्या क्या रिएक्शन दिए हैं। एक यूजर ने लिखा, मुनव्वर विद टू रियल ओजीज। एक और यूजर ने लिखा, कपिल शर्मा शो पे बुलाओ मुनव्वर भाई को एज अ गेस्ट। एक और यूजर ने लिखा, एक कॉमेडी का बादशाह, एक कॉमेडी का किंग। एक और यूजर ने लिखा, अब कपिल शर्मा शो में कब जा रहे हो। एक और यूजर ने लिखा, लगता है नेक्स्ट कपिल शर्मा शो है। फिलहाल ये तो थे लोगों के रिएक्शन। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।